जय हिंद दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, किसी के हाथ में हमने जरा सी बागडोर क्या दे दी, वो खुद को हमारा सम्राट समझ बैठा। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब भी आप अपना कोई काम कराने के लिए किसी के पास जाते हैं और वो उसमें अपने फायदे जोड़कर आपके हाथ में कोई एक ऐसी चीज थमा देता है जिसकी बागडोर ताउम्र हमेशा उसके हाथ में होती है। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो YouTube पर सर्च करने के लिए आते हैं कि कैसे हम अपना एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक ट्यूटर हैं, एक टीचर हैं, अगर आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, या फिर आपके अंदर कोई भी बेहतर स्किल है और उस स्किल को आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, उस महारत में और बाकी दुनिया को भी आप दक्ष करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि यार ठीक है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म हो कि मेरा खुद का हो, मेरा खुद का घरौंदा जिसमें मैं दुनिया को अपनी चीजें सिखा पाऊं। तो आपके दिमाग में आता है कि चलो मैं अपना एक एप्लीकेशन बनवा लेता हूं, और ये सर्च करने के लिए आप यूट्यूब पे ये चीजें या गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, हाउ टू क्रिएट योर ओन ऐप या कोचिंग ऐप या टीचिंग ऐप, और ऐसे में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और इन ऑप्शंस में सबसे ऊपर वो वाले ऑप्शंस आपके सामने आते हैं जहां पर एड्स रन हो रहे होते हैं, और वो टोटल वाइट लेवल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पहले मैं आपको ये वाइट लेवल प्लेटफॉर्म जो है वो बता देती हूँ, जहां पर जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आपने इनसे काम करा लिया और ताउम्र अपनी बागडोर इनके हाथ में थमा दी कि अब आपको कुछ भी चेंजेस कराने होंगे तो आपको इनकी मदद लेनी है। अब आप जो भी सेल परचेज करेंगे आपको इनकी मदद लेनी है, आपका पूरा डेटा इनके सर्वर पर होगा, आपकी प्राइवेसी इनके हाथों में होगी, बट स्टिल ये आपको कहते हैं कि हम आपको आपका कस्टमाइज्ड ऐप जो है वो बना के दे रहे हैं और आप उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो डायरेक्ट इस चीज़ को लेकर कमेंट करते हैं कि क्या हमें ऐसे एप्लीकेशन बनवाने वाली कंपनियों के पास, दलालों के पास जाने की आवश्यकता है। तो उस बात की शुरुआत बस मैं यहां से करना चाहूंगी कि आपके दिमाग का पहला सवाल कि आखिर मैं अपना कोचिंग ऐप बनाऊं तो मुझे कौन सी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो मेरे एप्लीकेशन में जरूर होनी चाहिए, पहले आप ये जान लीजिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका और आपके स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट डिटेल्स और जो भी आपका डेटा है वो आपके एप्लीकेशन पे इंस्टॉल होगा, उसकी प्राइवेसी और उसकी पायरेसी की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पे हो जाती है। तो ऐसा एप्लीकेशन ना हो जिसको स्क्रीन रिकॉर्ड किया जा सके, जिसका स्क्रीनशॉट लिया जा सके, जिसके लिंक्स को यहाँ वहाँ शेयर करके आपके बनाए नोट और कोर्सेज को फ्री फंड में यहाँ वहाँ बांट दिया जाए जब तक आप परमिशन ना दें। दूसरी बात, उसके प्राइसेस इतने रीजनेबल हो, क्योंकि शिक्षक ही है मुझे लगता है समाज में जो अपनी लेबर के हिसाब से, अपने एफर्ट्स के हिसाब से अर्न नहीं कर रहा है, तो उतना महंगा ना हो कि आप पहले ही उसके कर्जे और उसके बोझ तले दबके रह जाएं, जबकि आपका स्ट्रगल बाद में पढ़ाने पर और उसमें क्वालिटी देने पर उस पर ज़्यादा होना चाहिए। तो जो एप्लीकेशन है उसका प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, वो कंप्लीट डेडिकेटेड ऐप हो, आप उसकी कमांड कंट्रोल करेंगे, आपका एप्लीकेशन है, आप अपने हिसाब से उसे चलाएंगे, टोटल उसमें कस्टमाइज फीचर्स हो कि समय, ज़रूरत और ये कह दीजिए आधुनिकता के आधार पर जब भी आपको लगे कि आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ भी बदलाव कराने की आवश्यकता है तो उसके हिसाब से आप उसमें अपने हिसाब से बदलाव कराने का हक रखते हो। और जो बागडोर वाली बात मैंने सबसे शुरू में कही, उसके हिसाब से उस एप्लीकेशन में एक वन टाइम पेमेंट हो, आपने पैसे दिए और आपका काम हो गया, दैट्स इट। कंप्लीट सिंपल और इंटरेस्टिंग होना चाहिए वो एप्लीकेशन, ईजी टू यूज होना चाहिए, टोटल यूजर बेस्ड हो, उसे यूज करने में आपका सारा दिमाग खर्च ना हो जाए, उसके फीचर्स इतने डिफिकल्ट ना हो कि उसे समझने के लिए आपको अलग से थीसिस करनी पड़े। अब आप कहेंगे कि मैम आप बता रही हो किस तरीके का एप्लीकेशन हमारा होना चाहिए, बट क्या आपको बनाना आता है? तो डेफिनेटली नहीं, मुझे बनाना नहीं आता, बट एक ऐसे बेहतर हेल्पिंग हैंड जो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हुए और ऑसम एप्लीकेशन जिसका फुल कंट्रोल मेरे पास होगा, ऐसा एप्लीकेशन मुझे देने के लिए तैयार हुए जिसके बारे में आपको बताना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, तो वो है LMH कोचिंग एप्लीकेशंस। ये आपको फुली कस्टमाइज्ड
वाइट लेबल नहीं, कंप्लीट डेडिकेटेड एप्लीकेशन आप लोगों के लिए आपको बना के देंगे। यहाँ पर आपको ना कोई रेंट देना है, ना ही कोई रिन्यूएबल चार्जेस होंगे, ना ही कोई कमीशन होगा। मान लीजिए मैंने अपना एक कोर्स बनाया और उस कोर्स को मैं 200 रुपीज में सेल कर रही हूँ, और जितने भी मार्केट में धुरंधर व्हाइट लेवल एप्लीकेशन वाले लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हर सेल पर आपको 10-20% हमें देना है, हमें, क्योंकि हमने आपको एप्लीकेशन बना के दिया है, हम क्या बिना कमाए रह जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आपको जो भी एप्लीकेशन बना के देंगे वो एप्लीकेशन आपके कंट्रोल में होगा, उसकी सेल परचेज जो भी है। एक बार आपने पेमेंट कर दिया इन लोगों को बनाने का, ठीक है, बस दैट्स इट। उसके बाद इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहने वाला है। आपकी सेल का टोटल अमाउंट आप ही को मिलेगा, आपको कोई 10, 12 या 5 कितना भी परसेंट जो है वो इन्हें नहीं देना, किसी तरीके का कमीशन जो है वो आपको नहीं देना। चाहे आपको बुक्स सेल करनी है, चाहे आपको नोट्स सेल करनी है, चाहे आपको कोर्सेज सेल करने हैं, टोटल चीज़ें आपके कंट्रोल में होने वाली है। LMH का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। टाइम टाइम पर ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको कोई भी चेंजेस कराने होंगे तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके कोई भी चेंजेस जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ईजीली करा सकते हैं। अगर आप LMH कोचिंग एप्लीकेशन से अपना ऐप बनवाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए? तो पहला, आपका खुद का डोमेन नेम, जी हाँ, ये आपका अपना होना चाहिए। आपकी शेयर्ड होस्टिंग होनी चाहिए और प्ले स्टोर पर आपको अपना डेवलपर अकाउंट बनवाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपकी खुद की होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये वो क्रिएट कराने में भी आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। और उसके बाद आप इनसे अपना कस्टमाइज डेडिकेटेड खुद का सेल्फ कंट्रोल ऐप जो है वो चला सकते हैं। अब वो एप्लीकेशन आपको पूरा एक्सेस एंड कंट्रोल देगा, जहां पर आप जो है ये मान के चलिए कि एक कोचिंग सेंटर जो एप्लीकेशन है उसमें मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मेरे स्टूडेंट की अटेंडेंस हो, मेरे स्टूडेंट्स का पूरा मतलब जो डिटेल है वो उसके अंदर होने चाहिए, कब कब मुझे मॉक टेस्ट लेना है, कब कब मुझे उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उनका रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है, मेरे को फीस को लेकर कोई रिमाइंडर देना है, या पेमेंट गेटवे होना है, या PTM मुझे कोई कंडक्ट करानी है, या मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से नोट्स लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, अगर मुझे कोई कोर्स क्रिएट करके उसको सेल करना है, मुझे कोई बुक जो है वो अपनी एप्लीकेशन पे सेल करनी है, ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता हूँ, या फिर अगर आप इसका एडवांस वर्जन लेते हैं तो आप अपने स्टूडेंट को रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आप दूसरों को रेफर करिए एप्लीकेशन, जुड़िए इस एप्लीकेशन से और आप भी कमा सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इससे उनके कमाई के साधन भी खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको LMH कोचिंग एप्लीकेशन जो है ईजिली वे में देता है। बहुत ही ईजी इसका इंटरफेस है, अंदर से दिखने में एकदम साफ सुथरा, इजी टू कंट्रोल है। तो ऐसे मेरे सारे व्यूअर्स जो वाकई में अगर टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं और जरूरत और समय के हिसाब से आज आपको अपना एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग सेंटर ऐप होना ज़रूरी है। यहाँ वहाँ 10 तरीके के एप्लीकेशंस पे आप जाते हैं, फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उसका लिंक अपने स्टूडेंट को शेयर करते हैं, जूम पे मीटिंग्स करते हैं, यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस, आपके चाहे आपको अपना पूरा कोर्स बनाने के लिए यूट्यूब वीडियोज़ के URL लिंक्स को पेस्ट करना है, सब कुछ इसी एप्लीकेशन में हो जाएगा। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी दर दर की ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके का एप्लीकेशन हर कोचिंग सेंटर के बंदे के पास होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर वाकई में ये आपके लिए लाभकारी रहे, आपको लगता है कि आपको अपना कोचिंग सेंटर ऐप बनवाना चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर के थ्रू भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी सारी जानकारी जो है वो डिटेल में पा सकते हैं। बाकी और डिस्क्रिप्टिव जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज़रूर पढ़ लें, फर्स्ट कमेंट में आपकी सहूलियत के लिए पिन कर दूंगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, जाइए बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए, अपनी क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछिए। और हाँ, एक चीज़ आप भूल रहे हो, ऐसी और सभी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आपको दबा के रखनी है क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में बेहतरीन ज्ञानवर्धक बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।